छत्तीसगढ़ के लोहारी डीह में पिछले दिनों हुई घटना के मामले में तीन पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर दुर्ग में एक दिवसीय अनशन प्रदर्शन किया गया, जिसमें साहू समाज के युवा प्रकोष्ठ के लोग शामिल रहे। कबीरधाम जिले के लोहारी डीह में हाल ही में हुए विवाद के मामले में न्याय की मांग और पीड़ित तीन परिवार को 1 करोड़ मुआवजे की मांग को लेकर साहू समाज के युवा प्रकोष्ठ के युवाओं ने सोमवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने प्रदर्शन किया, जहां अनशन स्थल पर जमा हुए सैकड़ों युवाओं ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई और स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। इस दौरान अनशन पर बैठे जिला साहू संघ के युवा प्रकोष्ठ के मुकेश साहू ने लोहाईडी घटना में निर्दोष 70 लोगों की रिहाई व पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु पर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, 15 सितंबर को लोहारीडी कवर्धा में पुलिस अभिरक्षा में प्रशांत साहू की मृत्यु व अन्य 70 सामाजिक लोगों की हिरासत में रखने को लेकर साहू समाज ने विरोध जताया। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन तैयार किया। इस दौरान आमरण अनशन पर बैठे साहू समाज के लोगों ने पूर्व विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, राजेंद्र साहू सहित अन्य भी अनशन स्थल पर पहुंचे। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर हम देखें तो यह पहली ऐसी घटना है जिस घटना को शासन प्रशासन ने पूरा संरक्षण दिया है। इस घटना को समाज ने तो बहुत गंभीरता से लिया ही लिया है, साथ ही सर्व समाज की तरफ से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने गिरौदपुरी धाम से लेकर रायपुर गांधी मैदान तक पद यात्रा की इसी बात को लेकर कि ऐसी घटना इस प्रदेश में पहली बार घटित हो रही है और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से लाचार हो गई है, लचर हो गई है। ऐसे ही सरकार और ऐसे घटना आज तक किसी ने देखा नहीं। हम इस घटना की निंदा करते हैं। समाज के लिए बहुत दुखद घटना हुआ है लोहारीडीह में। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ तीन घटना हुआ है ना साहू परिवार में। एक घटना के बारे में बोलना चाहूँ, जो प्रशांत साहू जो दोषी नहीं है, है ना, उसको पुलिस कस्टडी में रख के इतना मारपीट किए हैं पुलिस बल द्वारा। अभिषेक पल्लव तत्कालिक SP थे, उसके निर्देश में इतना मारे हैं कि वो प्रशांत साहू की मौत हो चुकी है। एक छोटा सा बच्चा है उनका, 6 साल का। वो बच्चे को ऊपर क्या बीत रहा होगा, पहले सोचिए आप। प्रशांत साहू न्याय मिलना चाहिए। पुलिस कस्टडी में इतना मारपीट हुआ है, इतना मारे हैं उसको, उसकी मौत हो गई। पूरा 3rd degree यूज़ करें मान के चलो। तो हम लोग की ये मांग है, पीड़ित परिवार जो तीन पीड़ित परिवार में मौत हुई है ना साहू समाज की, एक एक परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा मिलनी चाहिए पहली बार। और एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। आप देख रहे हैं, जब से यहाँ पर शासन प्रशासन, जब से BJP की इसमें यहाँ पर मतलब विजय शर्मा जी जब से गृह मंत्री बने हैं, आए दिन इतनी घटना हो रही है और साहू समाज के ही लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं और उनको मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मेरे को ऐसा लगता है इस प्रदेश में मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार उन पर हो रहा है। जबकि जैसे कि आप देख बताएंगे लोहारीडीह में जो प्रशांत साहू के ऊपर पुलिस कस्टडी में जो इतना मार के पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई, पुलिस प्रशासन बोलता है कि ये मिर्गी से मरा हुआ है, जबकि पुलिस प्रशासन द्वारा उसे मारा गया है, ये छुपा रहे हैं कुल मिला के पूरा। अभी जो उपस्थित हुए हैं, हमारा एक सूत्री मांग ये है सबसे पहले कि जब से ये घटना हुई है अभी तक कानूनी जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से नहीं, सुचारू रूप से संचालित नहीं हुआ है। तो हमारा पहला मांग यही है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए और उन पर FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हत्या का ये केस है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि लोहारी जी में जो घटना हुआ है, प्रशांत साहू जी की जो मौत हुई है, उसमें वहाँ पर जो कानूनी जो अधिकारी हैं वही संलिप्त हैं इसमें, है ना। और जो वहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जैसे गृह मंत्री वहाँ के हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जो वहाँ के SP थे, जिनका तथाकथित रूप से कह दिया जाए कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनको वहाँ के उनको निर्दोष साबित किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। उनको भी उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए, यही हमारी पहली मांग है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।